एमपी फार्मिंग 47 में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले हैं हमारे इस वाले प्लॉट के बारे में। इससे पहले हमने आप सभी को बताया था जो नीचे वाला प्लॉट है उसके बारे में आप सभी को दिखाया था जो लास्ट वीडियो है उसमें, जिसमें कि हमने 150 के बारे में आपको पूरा कवर अप करके दिखाया था कि किस तरीके से और किस प्रकार की हमारी मिट्टी है, तो उसके बारे में आप सभी को दिखाया था। तो आज एक और नए ब्लॉग में बेसिक क्या है कि हमारी जो कैटेगरी है बिल्कुल ब्लॉग जैसी ही है। हम आपको पर डे दिखाते हैं कि हमारी फील्ड किस तरीके से चल रही है और किस तरीके से हमारे यहाँ का क्लाइमेट है और क्या काम चल रहा है। इससे क्या है कि किसानों को थोड़ा सा ये चीज़ें पता चलती है कि हमारी मिट्टी कैसी है, उस प्रकार से फिर हमारी जो वेराइटी है किस प्रकार से सर्वाइव कर रही है, ताकि किसानों को थोड़ा सा एक ग्राउंड लेवल से कुछ चीज़ें थोड़ी सी समझ में आएँ, क्योंकि जो एक्टिव फार्मर हैं उनको तो वैसे भी कुछ चीज़ें बताने की ज़रूरत रहती नहीं है। तो जो ग्राउंड लेवल के फार्मर हैं उनको, या फिर जो किसान ग्राउंड लेवल से जानना चाहते हैं उन किसानों के लिए थोड़ा सा हम कोशिश कर रहे हैं कि उनको सही चीज़ें बता सकें। तो यहाँ से अगर अपन इस साइड से देखें तो इधर है NRC 150, तो हल्की मिट्टी में भी इसका परफॉर्मेंस बहुत तगड़ा है। वैसे सेमी डिटर्मिनेट वेराइटी है, तो उसको वैसे भी मैं हर एक वीडियो में बताता हूँ आपको कि ये वेराइटी जो है इसमें अगर आपके प्लॉट में हाइट का इशू है तो आप इस वेराइटी को आँख बंद करके लगाओ, हाइट की पूरी समस्या ख़त्म। इसके बाद आते हैं हम यहाँ से इधर, क्योंकि आज हम पूरी वेराइटी को कवर अप करेंगे, लगभग 2-3 जो प्लाट है हमारे सबके बारे में आप सभी को दिखाएंगे। अब ये जो वेराइटी है ये भी थोड़ा सा हाइट बिल्कुल तगड़ी ले रही है, क्योंकि थोड़ा सा इसका सीड रेट टाइट डल गया था, सीड अपने पास थोड़ा सा कम था और समय भी कम था, इसलिए अपन ने इसको सड्डल से ही लगा दिया। ये ब्रीडर है NRC 181 का, तो NRC 181 किस तरीके से चल रही है उसके बारे में भी आपको खैर अपडेट हम देते रहेंगे। और एक अपना NRC 150 हम 31 दिन में फूल आते हैं लगभग, थोड़ा बहुत आगे पीछे नहीं तो उसमें भी लगभग उसी टाइम पे फूल आ जाते हैं अपने NRC 181 में। इसके साथ तीखे पत्ते में ये जो वैरायटी है, ये वैरायटी मुझे काफ़ी ज़्यादा शानदार लगी है। बाकी देखते हैं कि इसका क्या प्रोडक्शन रहता है, क्योंकि तीखे पत्ते एक तो और उसके साथ में इसमें फ्लावरिंग भी बड़ी गजब की आती है। अभी मैंने जो लास्ट वीडियो आप सभी को दिखाया था उसमें आपको बिल्कुल पूरी फ्लावरिंग दिख रही थी, लेकिन आज की कंडीशन अगर देखें तो इसमें पॉट सेट होना स्टार्ट हो चुका है। ये कंडीशन है, ये देखिए अभी फ़िलहाल की कंडीशन में इसमें। अब आगे देखते हैं कि ये किस तरीके से सर्वाइव करेगी। और क्या है कि इसमें कहीं कहीं अगर आप देखेंगे तो इस तरीके से इसमें पत्ते आते हैं, लगभग 4 आते हैं, 5 आते हैं, ये इस तरीके से पत्ते आते हैं तीखे पत्ते के साथ में। तो ये जो वैरायटी है इसके बारे में खैर हम आपको अपडेट देते रहेंगे। बढ़िया शानदार वैरायटी लगी। ऐसे किसान जो कि सेमी डिटर्मिनेट वैरायटी को नहीं लगाना चाहते, जैसे 150 हो गया, 181 हो गया, जो कि थोड़ा सा ज़्यादा हाइट लेती है, तो ऐसे किसानों के लिए ये जो वैरायटी है ये भी बहुत शानदार है, क्योंकि इसकी हाइट भी बड़ी शानदार है और इसमें जो पॉट सेट होने की क्षमता है, ये फ्लावर लेके आया, फ्लावर लेके आने थोड़ी सी मिक्सिंग भी है इसमें। खैर ये कि ये पौधा, ये जिसमें बैंगनी कलर के फूल हैं, इसको निकालना पड़ेगा भाई, ये बैंगनी कलर का फूल इसमें, तो ये थोड़ी सी मिक्सिंग हो जाती है खैर कुछ ड्रिल में कुछ सीड में। तो खैर इसके लिए अभी हम रोगिंग कराने वाले हैं, तो पूरे प्लाट में जितनी भी जैसे ये वैरायटी है तो इसमें अगर दूसरा कोई पौधा होगा तो उसकी रोगिंग करवाएंगे, अगर 181 का मिल गया तो उसको हटवाएंगे, 181 में अगर ये वैरायटी मिल गई तो उसको हटवाएंगे। वैसे इस वैरायटी की खासियत ये है कि इसमें जो कुछ फलियाँ हैं ये 5 दाने तक की आती हैं, तो 5 दाने में क्या है कि मैंने अभी तक ऐसी कोई वैरायटी देखी नहीं है जिसमें कि जो फली है उसमें 5-5 दाने आए। खैर अगर इसमें 1-2-4 फली रही, जैसे पूरे पौधे में अगर 1-2 फली रही तो कोई खैर बड़ी बात नहीं है, लेकिन अगर 4 दाने की फली थोड़ी सी ज़्यादा रही तो हो सकता है कि इसका प्रोडक्शन शानदार मिले। लेकिन जब इसका सीड हम लेकर आए थे, खैर अब जो निकलेगा उसके बारे में भी आपको बताएंगे, इसका जो सीड का साइज़ था बिल्कुल एक्स्ट्रा और बोल्ड था, तो मतलब जिस प्रकार से 95-60 में कुछ फलियां नीचे लगती थी कुछ फलियां ऊपर लगती थी, उसके बाद फिर उसका बिल्कुल तगड़ा परफॉर्मेंस और तगड़ा रिजल्ट मिलता था, खैर इसी तरीके से इस वैरायटी का भी मिल सकता है। अब देखते हैं आगे। और इसमें ना तो बेल चलने की समस्या है और ना ही लॉजिंग की समस्या है, क्योंकि अगर यहाँ देखें ये जो एरिया है ये क्रॉसिंग हो चुका है, ऐसे भी लग चुका है, ऐसे भी बो दिया इसको और यहाँ से ऐसे भी बो दिया है, तो इसमें न तो बेल चलने की समस्या है न कोई विशेष समस्या है। क्योंकि इस वक्त अगर देखें अपन, इस टाइम अगर देखें तो इस टाइम क्या है कि अगर आपका सीड रेट थोड़ा सा तेज़ है तो उसमें हर एक वैरायटी में बेल चलने की थोड़ी सी समस्या बन रही है, तो इसमें बेल चलने की कोई विशेष समस्या है नहीं, तो इस वजह से अगर देखा जाए तो वैरायटी थोड़ी सी शानदार लगी है, रुएदार इसका पूरा पौधा है। अब फलियाँ देखते हैं किस तरीके की आएंगी, बाकी आपको अपडेट इसके बारे में खैर हम देते रहेंगे। और इसके साथ में अगर आगे चलें
तो आगे हम आपको दिखाते हैं, ये है NRC 150। तो NRC 150 का एक अलग ही तगड़ा मतलब परफॉर्मेंस है, और मेरे हिसाब से तो अगर आप सोयाबीन लगाना ही चाह रहे हैं तो 150 तो आप इसका जो रकबा है वो तो बिल्कुल 50% फिक्स करके रख दो कि 50% में तो अपनों को NRC 150 ही लगाना है, और बाकी दूसरा जो एरिया है आपका जो बचता है बाकी उसमें आप ट्रायल कर सकते हैं, दूसरी वेराइटी लगा सकते हैं, क्योंकि 150 अपनी थोड़ी सी पसंदीदा वेराइटी है, बिल्कुल तगड़ा परफॉर्मेंस, हाइट का कोई इशू नहीं, और फ्लावरिंग की कैपेसिटी भी बिल्कुल शानदार। और सेमी डिटर्मिनेट वेराइटियों में क्या है, थोड़ा सा सिस्टम ये रहता है कि इसमें जो फ्लावरिंग आती है बहुत लंबे समय के लिए आती है। अब लंबे समय के लिए फ्लावरिंग आएगी तो इसमें अगर आपकी फसल में कहीं कोई प्रॉब्लम आ गई, बाई चांस अगर समझ लिए कि बहुत ज़्यादा तेज़ पानी आ गया तो इससे आपके फ्लावर ख़राब हो जाते हैं, तो ये जो वेराइटी है आपको कभी भी इतना ज़्यादा लॉस नहीं देगी, क्योंकि अगर देखा जाए तो इसके जो फूल हैं लगभग 40-45 दिन तक चलते हैं। तो इसमें बेनिफिट ये होता है कि 40-45 दिन में कभी भी अगर इसका माहौल सेट हो गया और इसको सही तरीके से क्लाइमेट मिल गया, कितनी भी कंडीशन ख़राब हो उसमें भी 45 दिन में अगर इसको इसकी कैपेबिलिटी के बराबर अगर सही क्लाइमेट मिला तो ये जैसे बाहर की जो वेराइटियाँ हैं जैसे 10 क्विंटल पर एकड़ के हिसाब से प्रोडक्शन दे रही हैं, तो ये वेराइटी भी 10 क्विंटल 12 क्विंटल से कम तो देना नहीं है इसने। बाकी जहाँ जो दूसरी वेराइटी 2 क्विंटल 3 क्विंटल 4 क्विंटल का प्रोडक्शन दे रही है, वहीं NRC 150 उनसे थोड़ा सा ज़्यादा ही प्रोडक्शन आएगा इसका, क्योंकि इसमें थोड़ी सी क्लाइमेट्स को सहन करने की, उसके साथ में बहुत ज़्यादा अगर इरिगेशन की समस्या है कि बहुत ज़्यादा वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, तो ऐसी कंडीशन में भी ये वेराइटी थोड़ा सा अधिक सर्वाइव करने की कैपेबिलिटी के साथ चलती है। तो 150 अपनी बिल्कुल फेवरेट वेराइटी है, और इसकी जो हाइट जाती है ये 3 मीटर तक जाती है, 3 मीटर तक इसके मतलब सॉरी 3 फिट तक 1 मीटर तक, थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। तो इसके साथ ये जो वैरायटी है ये है ब्लैक बोल्ड। अब ब्लैक बोल्ड काफ़ी किसानों ने लगाई है, तो इसके अलावा आप ब्लैक बोल्ड के अलावा अगर देखें तो दूसरी वैरायटियां बहुत सी आ चुकी हैं, क्योंकि इसका ब्लैक बोल्ड का जो सीड का साइज़ है ये काफ़ी ज़्यादा छोटा रह गया है, और इसमें अगर थोड़ा बहुत स्ट्रेस आ जाता है तो इसका पौधा कुछ इस तरीके से छोटा रह जाता है, जिससे आप अगर देखेंगे तो यहाँ क्या हुआ था, थोड़ा सा केमिकल स्ट्रेस हो गया था। केमिकल स्ट्रेस ऐसा कि जो हर्बिसाइड का उपयोग किया था उसमें थोड़ा सा इसमें ओवरडोसिंग हो गई थी, जिस वजह से ये पौधे थोड़े से छोटे रह गए। तो इसका अल्टरनेटिव में मार्केट में बहुत सारी वैरायटियां 2303 2309, तो ऐसी वैरायटियों के साथ आप जा सकते हैं। बाकी अगर आपका या फिर खेत बढ़िया है, मिट्टी शानदार है, तो 142 और 150 बहुत शानदार। अब 142 के साथ तो खैर गलत हुआ है, क्या कर सकते हैं, क्योंकि 142 ऐसे समय पर आया था जब ब्लैक बोल्ड का मार्केट था, तब आया था 142। तो ये है 142, एक थोड़ा सा सिंगल पौधा मैं आपको दिखाता हूँ, ये बिल्कुल बैंगनी फूल में, हाइट बिल्कुल तगड़ी है। अब मैं आपको इधर आके दिखाता हूँ, जैसे मैंने आपको पहले भी दिखाया था कंपैरिजन में 142 का और 150 का, तो जिसमें आपको 142 की हाइट थोड़ी कम लग रही थी, खैर अभी भी थोड़ी सी कम है, 150 की हाइट थोड़ी सी ज़्यादा लग रही थी, अभी भी थोड़ी सी ज़्यादा है, लेकिन समय के साथ में ये पूरा कवरअप कर लेगी, क्योंकि इसका एक्सेलेटर तभी चलता है जब ये फ्लावरिंग स्टेज पर आ जाती है, 45 से 50 दिन के बाद फिर इसका समय चलता है 142 का। बाकी जो दूसरी वेराइटियाँ हैं जहाँ हाइट लेना बंद कर देती हैं वहाँ से इस वेराइटी की शुरुआत होती है, तो ये जो वेराइटी है बाकी सभी से अलग है, क्योंकि ये स्टार्टिंग डेज में बहुत स्लो चलती है NRC 142, और उसके बाद फिर इसकी हाइट का कोई जवाब नहीं, इसके हाइट का, इसकी ब्रांचिंग का कोई जवाब नहीं है। ये देखिए इसमें 45 दिन में तो फ्लावर आना स्टार्ट होते हैं, सेमी डिटर्मिनेट वेराइटी ये भी है, तो ये भी हाइट लेती जाएगी और बढ़ती जाएगी। खैर इसमें कितनी गांठें रहेंगी, कितनी ब्रांचिंग रहेंगी, इसके बारे में हम आपको आगे दिखाते रहेंगे, खैर इससे कोई ज़्यादा विशेष समस्या नहीं है। तो ये तो हो गई 142, उसके साथ 150, और आगे मैं आपको दिखाता हूँ एक और प्लाट जो थोड़ा सा बचा हुआ है, ताकि आपको सारी चीज़ें एक वीडियो में थोड़ा सा कवर करने की कोशिश करें। बाकी हमारे यहाँ रिमझिम बारिश चल रही है, अब बारिश इस तरीके से चल रही है कि अगर मैं पूरे बारिश में 1 घंटे भी खड़ूँ तो भी भीग नहीं सकता, ये कंडीशन है, एक साइड से फिर भी मैं सूखा रह जाऊँगा, ये कंडीशन चल रही है। बाकी 150 इस वाले प्लाट की ये कहानी थी कि ये कंडीशन थी कि इसको बखर दो, मतलब इस तरीके से जैसे आपको इधर खाली खेत दिख रहा है ना, इसी तरीके से यहाँ भी कंडीशन थी, लेकिन अगर आप अभी वर्तमान समय में देखेंगे तो बिल्कुल जो खेत है भरा चुका है, ये देखिए। और उसके साथ में क्या है कि इसमें थोड़ी सी ब्रांचिंग भी ज़्यादा हुई है, जैसे सीड रेट थोड़ा सा कम है, तो उसकी वजह से ये देखिए 1 2 3 ये 3 3 4 4 ब्रांचेस निकाली है हर एक पौधे ने,
बिल्कुल प्रॉपर तरीके से। तो ये खेत को कवर करने की बिल्कुल पूरी पूरी क्षमता रखता है, जैसे एक हो गई, दो हो गई, तीन हो गई, ऐसे तीन तीन चार चार ब्रांचेस निकाली है हर एक पौधे ने, ताकि वो जो हमारा खेत खाली खाली दिख रहा था ये पूरा भरा हुआ दिख रहा है अब वर्तमान समय में। बहुत बढ़िया तरीके से, शानदार तरीके से 150 है। और जहाँ किसानों ने बहुत ज़्यादा सिडेट डाल के रखा है, वहाँ आपको लियोसिन डालना पड़ रहा है, हाइट को रोकना पड़ रहा है। वहीं हमें अभी अगर इस प्लांट के बारे में बात करें तो इसमें ऐसी कोई समस्या नहीं है कि इसके हाइट हमें रोकना पड़े, सिडेट बहुत ज़्यादा अधिक नहीं है, क्योंकि वैसे तो 35 kg पर एकड़ डाला था, लेकिन जो बचा था वो 20 से 25 kg बचा था बस, इससे ज़्यादा सीड अपना निकला नहीं है। तो इस वजह से ये जो प्लांट है इसमें शानदार तरीके से अपने को अभी ग्रोथ दिख रही है। तो इससे ये स्पष्ट होता है कि अगर आपके प्लांट में सिडेट थोड़ा सा कम डल भी जाता है तो भी ये वैरायटी कवर अप कर लेती है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक बार अपन ने लगा दिया तो फिर उसके बाद फिर अपने वो फिर सेड लगाना पड़ेगा। अगर सीडर थोड़ा बहुत कम भी हो गया तो भी कोई परेशानी है, 20 kg पर एकड़ के हिसाब से भी अगर आपका सीड जर्मिनेट हुआ है तो भी ये जो वैरायटी है ये क्षमता रखती है कि आपको सही प्रोडक्शन दे सके। बाकी इसके बारे में आपको लाइव दिखाएंगे कि किस तरीके से इसका प्रोडक्शन निकलेगा, पर डे तो हम आपको अपडेट देते ही रहते हैं। उसके आगे कुछ और वैरायटियां हैं हमारी जिसके बारे में आपको दिखाते हैं। खैर कुछ एक और है ये तीखे पत्ते में जिसमें वाइट फ्लावर आते हैं, इसके बारे में आपको कुछ समय के बाद दिखाएंगे, क्योंकि कोई ज़्यादा विशेष मात्रा में है ही नहीं ये, इसके बारे में आपको बाद में दिखाते रहेंगे ये वैरायटी के बारे में। और पर्सनली इस पर एक स्पेशल वीडियो बनाएंगे जिसमें कि आपको थोड़ा सा पता चलेगा कि कौन कौन सी वैरायटी हमने इसमें ट्रायल में लगाई हैं, जो किस तरीके से चलेंगी, कितने दिनों की। अब यहाँ अगर देखें तो ये है 35 kg पर एकड़ के हिसाब से सीड रेट, और इस वाले प्लाट की अगर कैपेबिलिटी या क्षमता देखें तो इसमें क्या है कि लियोसिन डालना पड़ा, वो लियोसिन डालने के बाद इसकी थोड़ी सी हाइट अभी रुकी हुई है। लियोसिन आपको थोड़ा सा अगर देखें तो इसकी मात्रा थोड़ी सी डालनी पड़ेगी, जो कंपनी डोज है उसी पर, क्योंकि अगर आप इसकी मात्रा कम करके डालते हैं तो जहाँ फ़ायदा होना चाहिए वहाँ आपको थोड़ा सा नुकसान भी हो सकता है। वैसे लियोसिन का जो रिजल्ट है बिल्कुल आपको तुरंत नहीं मिलता है, लियोसिन का जो रिजल्ट है वो स्लोली स्लोली मिलता है किसानों को। ऐसा नहीं है कि अपन ने तुरंत आपने स्प्रे किया और 100% तक ब्लॉकेज कर दे हाइट को, तो ये सिस्टम नहीं है इसके साथ में, ये 100% तक ब्लॉक नहीं करता है, स्लोली स्लोली मतलब कुछ परसेंट तक ग्रोथ को रोकता है, उसके बाद भी आपकी जो फसल ये चलती रहती है। तो ये कंडीशन है 150 की। और अगर आपका सीड रेट भी कुछ इसी तरीके से डला हुआ है तो आप बिल्कुल उसके हाइट को रोकने की कोशिश करें ताकि आपको एक बेहतर तरीके से उत्पादन मिल सके। इसके अलावा हमारा जो ये जो प्लाट है उसमें एक वैरायटी और उस साइड लगी हुई है जो सागुन लगे हुए हैं उधर, तो उधर हम आपको खैर बाद में दिखाएंगे, क्योंकि अभी तो वहाँ तक जाना थोड़ा सा समय ज़्यादा हो जाएगा, वीडियो भी लंबा हो जाएगा, तो उसके बारे में आपको थोड़ा सा बाद में दिखाएंगे ज़रूर, पर कि कौन सी वैरायटी है किस तरीके से लगी हुई है। बाकी सभी वैरायटियों के बारे में आपको अपडेट हम देते रहेंगे, अभी कुछ अपडेट आपको अभी मिल रहे हैं, कुछ अपडेट आपको बाद में भी मिलेंगे, तो सारी वैरायटियों के बारे में आपको अपडेट देते रहेंगे। बाकी 150 मुझे वैरायटी बहुत शानदार लगी, अपन ने तो जो सबसे ज़्यादा रकबे में है ये 150 ही है, बाकी जो दूसरी वैरायटी हैं ये थोड़े से कम कम रकबे में है। बाकी हम आपको सारे अपडेट देते रहेंगे। इसके अलावा कोई और वैरायटी हो जो गवर्नमेंट सर्टिफाइड हो उसके बारे में अगर आपको जानना हो तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, ताकि हमारे प्लॉट में अगर नहीं है तो जो दूसरे फार्मर हैं उनके प्लॉट में जाकर भी हम आपको उस वैरायटी के बारे में थोड़ा सा डिटेल में बता सकें। अब इसके साथ में अगर इधर देखें तो ये देखिए NRC 150 की कंडीशन, ये खेत कुछ इस तरीके से खाली था, और कहे कि वैसे तो इसको पूरा बखरने का तोड़ने का मूड था, और थोड़ी सी अपनी जिद पे ये रह गई है, नहीं तो पिताजी ने तो इसको पूरा बकरने का प्लान बना ही लिया था, तो थोड़ी सी जिद करके ये रखी है कि देखते हैं कितना उत्पादन मिलता है। तो खेत तो पूरा कवर अप हो गया है, अब आगे देखते हैं कि क्या कंडीशन रहेगी।